नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल का जमाना पूरा डिजिटल हो चुका है, इसीलिए आज का वीडियो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आज के जमाने का सबसे मेन चीज होता है। और आज का जो टॉपिक है वो है स्पूफिंग मेल। जैसे आपको पहले के जमाने में मोबाइल में आता था ना कि आपने इतने लाख इतने करोड़ रुपए जीत गए, आखिर उन सारे जो मैसेज आता है उन्हें कहते हैं स्पूफिंग मैसेज या फिर फिशिंग मैसेज। लेकिन आजकल ईमेल में भी ये आने लगे, लेकिन क्योंकि लोग अब ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं और जानते हैं कि ऐसे जो ऑफर्स आते हैं बिल्कुल फेक होता है, इसलिए जो लोग ऐसे काम को अंजाम देते हैं वो अपने स्ट्रेटेजी को पूरा चेंज कर दिया है। ये वीडियो आखिर तक देखिए और जानिए कि कैसे हम ऐसे स्पूफिंग मेल्स को डिटेक्ट कर सके, कैसे हम इससे बच सके और इसके लिए हमें क्या क्या प्रोटेक्शन लेना होगा। तो चलिए शुरू कीजिए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे कि मैं कह रहा था, आपकी मेल में जो पहले आ रहा था कोई एबीसी कंपनी उसके तरफ से इतने लाख रुपए इतने करोड़ रुपए आप जीत चुके, ऐसा मेल ऐसा आप तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब नया स्ट्रेटेजी क्या है, ये जो सेंडर मतलब जो भेज रहा था वो एक अननोन कंपनी होता था पहले के जमाने में, लेकिन अब जो सेंडर होगा वो सेंडर का नाम कोई रेपुटेड कंपनी होगा, मतलब आप जानते हैं ऐसे ही कोई कंपनी का एड्रेस होगा। जो बॉडी मतलब जहां पर जो मैसेज लिखा होता है वहां पर अब कोई आलतू फालतू ऑफर नहीं रहेगा, आपको ऐसा मैसेज रहेगा जो कि आपको ऐसा ही समझाएगा कि एक ऑथेंटिक कंपनी की तरफ से आया है, इसीलिए आप उस पर क्लिक कर दें। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जनरली इन सारी ईमेल के अंदर ऐसा ही होता है कि कोई डराने वाला चीज होता है। जैसे आपको पता ही है फेसबुक जीमेल इन सारी जगह पर अगर आप कोई गलत पासवर्ड देते हो या फिर कोई आपके फेसबुक या फिर जीमेल को खोलने की कोशिश कर रहा है, जीमेल या फिर फेसबुक इसे डिटेक्ट कर लेता है और आपके जो अकाउंट उसे कुछ घंटे के लिए लॉक कर देता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ऐसा होता है, ऐसा सोचिए कि आपके ईमेल में एक मैसेज आया फेसबुक की तरफ से कि इनवैलिड एक्टिविटी या फिर सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से आपके अकाउंट को इतने घंटे के लिए लॉक कर दिया है, आप अगर आपके इस अकाउंट को फिर से ओपन करना चाहते हो तो नीचे के इस लिंक पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे बिल्कुल फेसबुक के जैसा ही एक वेब पेज खुल जाएगा, लेकिन वहां पर जब अपना डिटेल्स आप देंगे फिर लॉगिन करेंगे आप देखेंगे कि लॉगिन तो नहीं हो रहा है लेकिन आपका जो डिटेल्स वो दूसरे जगह पर चला गया है। बिल्कुल इसे ही कहते हैं स्पूफिंग मेल। वैसे ये जो मेल सेंड किया जाता है ये सेंड करना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि कोई भी जीमेल या फिर आउटलुक की मदद से आपको ऐसे मेल सेंड कर सकता है। एसएमटीपी या फिर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें जो सेंडर है उसके ऑथेंटिसिटी चेक करने का उतना ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए कोई भी जो सेंडर एड्रेस है वो थोड़ा सा फेरबदल कर सकता है। इस तरह से बहुत लोग फंस चुके और एक रिपोर्ट में भी ऐसा आया है, पिछले साल 30 बिलियन से भी ज्यादा पैसे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे स्पूफिंग मेल्स के चक्कर में गवा चुके हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर स्पूफिंग मेल्स क्या है, कौन भेजता है और आपको किस ऑफर के साथ भेजता है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला सॉल्यूशन जो सबसे आसान सॉल्यूशन है, आपके कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कीजिए और ऐसा देखिए कि उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कोई एंटी मैलवेयर सिस्टम है या फिर नहीं। पेड इस्तेमाल कीजिए तो और भी बढ़िया, पेड अगर ना हो तो फ्री वाला इस्तेमाल कीजिए और उसे अप टू डेट रखिए। दूसरा, अपना प्राइवेट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कभी भी ईमेल के जरिए किसी को सेंड मत कीजिए। तीसरा, आपके ईमेल में स्पैम फिल्टर जो ऑप्शन है उसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेटिंग पर रखिए या फिर जीमेल्स प्रायोरिटी इनबॉक्स नाम के जो टूल है उसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके ईमेल के अंदर कोई ऐसा ईमेल आया जिसमें कोई लिंक है, कोशिश कीजिए उन सारे लिंक पर क्लिक ना करने के, क्योंकि इससे आपके जो इन्फॉर्मेशन दूसरे जगह चला जाएगा या फिर आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल के अंदर कोई मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है। तो मुझे लग रहा है अगर ये सारी चीज आप करेंगे तो आप इन सारी चीजों से बच सकेंगे। आप जो सोशल नेटवर्किंग साइट इस्तेमाल करते उनका जो पासवर्ड हर 6 महीने में जरूर चेंज कीजिए। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, क्योंकि जनरली ये जो स्पूफिंग मेल आता है वो आपके बैंक नेम से ही आएगा और आपको ऐसा कहेगा कि आपके जो ऑनलाइन अकाउंट ये ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए आपके ऑनलाइन बैंकिंग का जो पासवर्ड हर 6 महीने में जरूर चेंज कीजिए। और मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में बोलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।